अस्सलामुअलैकुम वेयर्स फूड एंड टेस्ट की फैमिली में सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है फ्राइड गोश्त की रेसिपी। मटन के साथ मैं ये बना रही हूँ, आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। और ये मेरी मामा की रेसिपी है और ये इतनी मज़े की है कि पूरे खानदान में मशहूर है। ये देखें, ये मेरे पास है 1 kg मटन और इसके मैंने इतने इतने साइज के पीसेस कर लिए हैं छोटे छोटे। और ये मैंने बोनलेस लिया है, इसमें हड्डी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 बड़े प्याज इसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है, ये देखें इस तरह से मोटा मोटा मैंने कर लिया है। और 3 बड़े टमाटर इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है मोटा मोटा। और अगर आपके पास दरमियाने साइज के हैं टमाटर तो आप 5 ले लें और अगर बड़े हैं तो 3 ले लें। नमक 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच और भुना कूटा सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, 4 सब्ज़ मिर्चें इसको मैंने मोटी स्लाइस कर ली हैं, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भरकर, और मेरे पास 18 से 20 हैं लहसुन के जवे मोटे वाले, या 1 मुट्ठी भरकर आपने लहसुन लेना है। लहसुन आपने कम नहीं लेना क्योंकि अगर आप लहसुन कम लेंगे तो प्याज डाला है तो ये जो मटन कढ़ाई है ये मीठी हो जाएगी, इसलिए लहसुन आपने ज्यादा ही लेना है। तकरीबन मैंने 2 बड़ी गट्ठी ली थी लहसुन की, ले गई थी और उसको मैंने छील लिया। और ये है साबुत गरम मसाला, ये देखें साबुत गरम मसाला में है 1 खाने का चम्मच, 2-3 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें। बकरा ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं आपको बकरा ईद से रेलिवेंट आपको रेसिपीज दूं। किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज मुझे कढ़ाई की रेसिपी दें। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं और मटन के साथ भी बना सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये है कि ये दोनों के साथ बहुत मजे की बनेगी, लेकिन मैं मटन के साथ बना रही हूँ। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। एक मैंने कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर जो जो चीजें मैं ऐड करूंगी वो आप देखते जाएं। ये मटन की जो बोटियां मैंने की थी ये आपने ऐड कर देनी है। ये जो रेसिपी है इसमें छोटे छोटे पीस ही कढ़ाई के होते हैं और ये इतने मजे की बनती है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसमें मैं प्याज डाल दूंगी और मेरे पास सही बड़ा प्याज था, अगर आपके पास नॉर्मल साइज के हैं तो आप 3 ले लें। आगे ये मैंने टमाटर डाल दूंगी। बकरा ईद आगे आ रही है तो दावतें वगैरह होती हैं तो आप ये बना के बनाएं, इतनी जल्दी बन जाती है। सारी चीजें डाली और ये आपने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसको फिर हम गलने के लिए रखते हैं। ये बहुत मजे की बनती है। ये देखें, ये लहसुन डाल दूंगी। इस रेसिपी में साबुत गरम मसाले डालते हैं जो इसकी जान है। हल्दी डाल दूंगी। नमक है मेरे पास 1.5 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये पीसी लाल मिर्च है, ये सूखा धनिया है और ये है अदरक और साबुत सफेद जीरा, ये डाल दूंगी। सिर्फ 2 चीज अभी नहीं मैं ऐड कर रही, 1 सब्ज़ मिर्च और 1 कसूरी मेथी। जब ये गल जाएगा फिर इसकी जब हम बुनाई करेंगे तब हम इसकी चीजें डाल के इसको करेंगे। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर रखती हूँ, फ्लेम ऑन कर दिया है, चूल्हे के ऊपर मैंने ये कढ़ाई रख दी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 कप ऑयल। इसके अंदर अब मैं पानी ऐड कर दूंगी, 2 कप पानी ऐड करूंगी मैं एंड 2nd कप। हल्के हल्के हाथ से हमें लाऊंगी ताकि सारे मसाले वगैरह वो सारे मिक्स हो जाएं और इसको कवर कर दूंगी और इसको मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट्स पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि हमारा मटन अच्छी तरीके से गल जाए। ये देखें 45 मिनट हो गए हैं और ये देखें हमारा मटन तकरीबन 80% गल चुका है। अब मैं इसकी आंच तेज कर रही हूँ। अब हम इसकी बुनाई करेंगे तो जो लहसुन और टमाटर जो खड़े खड़े हैं वो सारे हमारे मिक्स हो जाएंगे। इस पॉइंट में मैं सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगी और कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी।
इस पॉइंट पे सब्ज मिर्ची या कसूरी मेथी ऐड करने से इस कढ़ाई का फ्लेवर बहुत मजे का आएगा। इसको मिक्स कर लूंगी। अब हमने हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। इतना हम भूनेंगे कि हमारा जो ऑयल है वो हमारा ऊपर आ जाएगा और ये कढ़ाई बहुत मजे की बनती है। और लास्ट पे हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देंगे। इसके अंदर आपने लहसुन साबुत ही डालना है, क्योंकि लहसुन अगर पीस कर डालें तो उसका फ्लेवर अलग आता है, साबुत डालें तब फ्लेवर अलग आता है, और क्रश करके डालें उसका फ्लेवर अलग होता है। इसलिए इस फ्राई में साबुत डलेगा। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है और हमारी अच्छी बली ग्रेवी हो गई है। तकरीबन ये 6 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं। 5 मिनट मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही जबरदस्त ये कढ़ाई बनेगी और गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी। 5 मिनट तक मैं भुनाई करती हूँ, 5 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हमारा भुना गया। अब इस पॉइंट पे अदरक स्लाइस किया हुआ ये मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए लेमन जूस 1 टेबलस्पून डाल दूंगी। एंड पे डालना है हमने अदरक और लेमन जूस। मिक्स कर लूंगी अच्छी तरीके से। मैं मिक्स कर दिए और इसका मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको मैं अब डिश आउट करती हूँ। हमारी मजेदार सी मटन कढ़ाई जबरदस्ती तैयार है। एक मैंने बाउल ले लिया, अब इसके अंदर ये कढ़ाई में डाल दूंगी। ये बहुत मजे की कढ़ाई है। आप बकरा ईद आ रही है आगे, तो आप इसको बनाएं दावतों में, ये बहुत मजे की लगेगी। ये मेरी मामा की स्पेशल कढ़ाई है और ये बहुत मजे की है, हम सब बहुत शौक से खाते हैं। इसके ऊपर मैं अदरक स्लाइस किया हुआ ये डाल दूंगी और हरी मिर्चें स्लाइस की ये मैं ऐड कर दूंगी। ये बहुत चटपटी सी बहुत मजे की रेसिपी है और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। मजेदार सी हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। आगे बकरा ईद आ रही है, तो आप इसको बनाएं और आगे दावतों वगैरह में ये बेहतरीन है। ये बहुत मजे की बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।